नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने देश के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल हमारे देश के कई सारे नाम हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत, इंडिया आदि, लेकिन अधिकतर पुकारे जाने वाले नाम भारत और इंडिया है। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कि भारत और इंडिया में क्या अंतर है और भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश के पुराने कई नाम थे, जैसे कि भारत, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, सोने की चिड़िया आदि, लेकिन बाद में जब विदेशियों ने हमारे देश पे कब्जा किया तो उन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जगहों के नाम बदलना शुरू किया, जैसे कि तिरुवनंतपुरम को त्रिवेंद्रम कर दिया और चेन्नई को मद्रास कर दिया। इतना ही नहीं, हमारे देश की जगहों के नाम उन्होंने कुछ हद तक हमें गिराने के लिए भी ऐसे रखे थे, जैसे कि मद्रास का अंग्रेजी के उच्चारण के अनुसार मैड्रास है, जिसका अर्थ यदि निकाला जाए तो मैड मतलब पागल और रास मतलब रास्कल यानी धूर्त है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने हमारी सोच को मारने के लिए पहले हमारी जगहों के नाम बदले। उसी में एक नाम इंडिया भी है। भारत नाम हमारे कई युगों से चले आने वाला नाम है, जिसे कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति भगवान राम के भाई भरत से हुई और कुछ कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति महाभारत से हुई। भारत तीन शब्द से मिलके बना है, जिसमें भा का अर्थ है भाव, जो सुनना, देखना, चखना, सूंघना व स्पर्श करना अलग अलग तरह के भाव या संवेदनाएं व्यक्त करता है। उसके बाद आता है र, जिसका अर्थ राग से है, और आखिरी शब्द तर है, जिसका अर्थ ताल है। भारत शब्द का मुख्य है भाव को राग और ताल के साथ प्रस्तुत करते हुए मिलजुल के रहना। कुछ विद्वान मानते हैं कि इंड शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है, इसी इंड से इंडिया बना, किंतु यह विचार गलत है, क्योंकि जिन स्थानों पर सिंध नदी नहीं थी वहां के निवासियों के लिए भी अंग्रेज इंड शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता था। इसके अलावा इंडोचीन, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज आदि शब्दों के प्रयोग में सिंधु से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि आप ऑक्सफोर्ड की पुरानी डिक्शनरी खोलें तो पेज नंबर 789 पर लिखा है इंडियन, जिसका मतलब बताया गया है कि ओल्ड फैशन्ड एंड क्रिमिनल पीपल्स, अर्थात पिछड़े और घिसे पिटे विचारों वाले अपराधी लोग, तथा इंडिया का एक और अर्थ है वह व्यक्ति या दंपत्ति जिसके माता पिता का विवाह चर्च में नहीं हुआ हो। अब सवाल यह है, इस देश का क्या नाम है, भारत या इंडिया? सरकार से यही सवाल लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछकर केंद्र सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। जवाब में आवेदक चाहता है कि हमें सबूत चाहिए कि किसने और कब इस देश का नाम इंडिया रखा, या भारत को इंडिया कहने का फैसला कब किसके द्वारा लिया गया। उनके इस सवाल ने सरकारी दफ्तरों में हलचल मचा दी है, क्योंकि सरकार के पास फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। वहां के एक अधिकारी ने बताया है कि हम इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, जवाब शीघ्र ही भेजा जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। इसका मतलब यह हुआ है कि देश के दो नाम हैं। सरकारी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी कहते हैं। सरकारी कार्यवाही में भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आपके काफी काम भी आई होगी। यदि फिर भी कोई गलती आपको हमारे वीडियो में दिखे या आपके मन में कोई अन्य सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब आपको देने की। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।